श्रीकृष्णाख्यं गुरुनाम जगद्धारणमानि च जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भक्तदास रघुनाथ के छय गोसाई कर चरण वंदन जाय श्रीनाथ वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सुमन नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की सुभाष पंडित की सकल आचार चरण की गजरानी राधा रानी की श्री लाड़ी लाल की श्री गिरिंद बिहारी बिहारिणी सरकार की श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री लाड़ी लाल की विदाई गौर हरि। श्लोक संख्या 65 नमतन्तं सौरभेयीकुलानां ब्रजद्रिपतिकुमारं रक्षणे दीक्षितं तं विकलमतिजनन्या लाल्यमानं कदा त्वं स्मितमधुरकपोलं निवीक्षसे वीक्षमाणा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी के एक एक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण किए थे नंदग्राम में प्रिया जी के द्वारा बनाया हुआ भोजन को प्यारे श्याम सुंदर अपने सखाओं सहित आस्वादन किए। आज आचार चरण कह रहे हैं आई श्री राधिके सौर भेई कुलानाम रक्षणे दीक्षितम। भगवान श्री हरि का अवतार होता है गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने।
वो ब्राह्मण हिताय छे। तो भगवान जन्म के पूर्व ही सुरभि कहते हैं गैया को। तो ब्रजेंद्र नंदन ने गायों के रक्षण का व्रत ले लिया है, इसलिए ठाकुर जी गोप घर में जन्म लिए, गाय की सेवा करने का सुअवसर था। सौरभेयी कुलानाम रक्षणे दीक्षितम, गैया की पालन करने का रक्षणे दीक्षितम, जो दीक्षा ले लिया है। दीक्षा का अर्थ होता है गृहीत व्रतम, मैंने व्रत ले लिया है कि मैं ये काम करूंगा, इसको कहते हैं दीक्षा। तो गैया की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, तो विपिनम अटंतम, एक जंगल से दूसरे जंगल में गैया की सेवा के लिए अटंतम माने गच्छंतम चलते हैं। उसी समय विकल मति जनन्या लाल लिमानम व्याकुल चित जसोदा पागल हो गई कि अब हमको श्री कृष्ण छोड़ करके गोचारण करने के लिए जंगल में जाएंगे, इतना क्षण का विरह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। तो मैया जसोदा व्याकुल चित्त हो गए। तम ब्रज नृपति कुमार, श्री कृष्ण कौन है, राजा का लड़का है, नंद बाबा का लड़का। वीक्षमाणम तम कदा स्मित मधुर कपोलम वीक्षसिरा, देखिए मंजरियों का चित्त हमेशा किशोरी जी पर लगा रहता है। भगवान गोचारण का तो बहाना है, जाएंगे गोपियों से मिलेंगे। उस समय जब प्रिया जी की तरफ दृष्टि गई तुलसी मंजरी की, तो हास्य मधुर कपोल लिए देखिया। मैया जसोदा तो यहाँ विरह में उन्मादनी होकर के रो रही है कि हमारा लाला हमको छोड़ करके गोचारण करने के लिए जा रहा है। आई तक प्रिया जी मंद मंद मुस्कुराए, ये गोचारण करने के लिए जा रहे हैं और हम भी सूर्य पूजन करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोगों का मिलन होगा। क्योंकि नंद गांव में प्रिया लाल का मिलन होता है संक्षिप्त मिलन, बिल्कुल संक्षिप्त, बात भी नहीं कर सकते, केवल नेत्र के इशारे से मिलते हैं। और नेत्र से बात चीत चलती है कि हम लोग वन विहार करने चलेंगे, वन में जाएंगे। तो उसी समय स्मित मधुर कपोलम वृक्ष से वृक्षमान, मंजरियों के वह दृश्य देख करके मंजरियां अपने से प्रसन्न हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि वह कब मैं देखूंगा वैसा मधुर मुस्कान प्रिया जी का। देखिए हम लोग कल की जो लीला श्रवण किए और आज के लीला में थोड़ा व्यतिक्रम है, थोड़ा सा, क्योंकि भगवान के पाने के बाद श्याम सुंदर को भोजन पाने के बाद प्रिया जी भोजन पाती उच्छिष्ट भोजन, लेकिन यहाँ इतना भाव में रघुनाथ दास गोस्वामी विक्लव है बिल्कुल कि वो लीला को छोड़कर आगे लीला बढ़े। प्रिया जी को अभी खिलाए गए और गोचारण करने के लिए तैयार है, आगे भोजन है, इसके बाद गोचारण करने के लिए जाते हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के लीला में क्रम नहीं, क्योंकि प्रेमियों के पास क्रम नहीं होता, व्यतिक्रम हो जाता है, कब कौन सा लीला का स्मरण हुआ है। तो लीला का क्रम सर्वत्र इसी प्रकार, चाहे गौर गोविंद लीला मृत में देखिए, चाहे जितने भी कृष्णाष्टमी कौमुदी है इत्यादि में लीला का जो क्रम है उसमें इसमें थोड़ा सा व्यतिक्रम देती है, क्योंकि विरहोन्माद के कारण श्रीपाद को पहले वन गमन की स्फूर्ति हो है और पीछे फिर राधा रानी का भोजन कराने का विचार करने का। उसी समय जब श्याम सुंदर जाने के लिए तैयार हो गए गोचारण करने के लिए, उसी समय मैया जसोदा दौड़ कर दौड़ करके हृदय में तो भयानक आग, विरह का आग लगा हुआ है।
और आंख से अश्रुधारा गिर रही है और ऐसा भयंकर कष्ट है, लगता है कि छाती फट जाएगी। यशोदा जी, यह विरह भला कैसे यशोदा सहन कर सकेगी? एक क्षण भी अपने लाला को कैसे छोड़ पाएगी? यह आगुनी भरा आंखी भय अश्रुधारा, हृदय में तो आग और आंख में अश्रुधारा, और दुखे भूख विदा लिया जा, दुख में इतना भयानक कष्ट हो रहा है, इतना भयानक कष्ट है कि लगता है कि अब छाती फट जाएगी। घर पर नहीं जाने से जाने चलिया बने, ये ताप के मन सहे। अरे भाई, श्री कृष्ण साधारण के लड़के नहीं है, राजा के लड़के हैं। हमारे लाला घर पर कहीं नहीं रहेगा। अरे आकर के यशोदा जी कृष्ण के पास, कृष्ण को पकड़ ली, अपनी छाती में भर ली और कहने लगे कि ओ मेरे जीवन लाल, हम जीती हूँ केवल तुझको देख करके, अब तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? क्या हमारे घर में धन नहीं है कि तू गैया चराने के लिए जाएगा? यशोदा जी आकर कहती, कीवा घरे नहीं धन, खेलो बार जाएंगे वन, वन में किस लिए जाएगा तू? मत जाओ, हम गुजारों पर कोई जरूरत नहीं। मैं देखा हूँ कितने माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देते, क्यों? प्रेम नहीं। हमारा लड़का नहीं जाएगा पढ़ने, घर में रहेगा। यशोदा मैया कहती है कि ना, नहीं जाएगा। राखा ले राखी को धे लू गैया, नौकर रख लूंगा, गाय चराने के लिए मैं नौकर रख लूंगा, हमारा लाला गोचारण करने के लिए नहीं जाएगा, यही रहेगा। यशोदा मैया का क्या उमड़ा, यहाँ तक यशोदा जी कहती है हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हमारा दूसरा लड़का नहीं, केवल तू ही, पुत्र पौत्र इत्यादि भी नहीं, हमारे अंधे अंधा की लकड़ी तू, हम तुम्हारे सहारे जीवित रहती हूँ, तुम यदि चले जाओगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? अभी तो दूध मुहा बच्चा है और गाय चराने का काम ले लिया, अभी तो दूध पीना छोड़ा भी नहीं, अभी तो दूध पी रहा है। वात्सल्यमयी यशोदा हमेशा श्री कृष्ण को देखते ही मैया यशोदा के स्तर से झरझर दूध दूध पीने लगे। यशोदा जी के लिए कृष्ण हमेशा बच्चे, कभी तो जवान है नहीं। यहाँ तक कि भागवत में लिखा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, जब देवकी श्री कृष्ण को देखी तो महाराज जेल में ही, जेल में बंद थी, जब श्री कृष्ण को देखी तो उसके स्तर से दूध पीने लगे। अब भगवान देवकी का भी स्तन पान, तो कहते हैं कि ये हमारा दूध का अभी बच्चा है, दूध मुहा बच्चा है, अब बने जाए धेनु ले जाए, दूध मुहा बच्चा है और गैया चराने के लिए जंगल जाए, कि देखी रही वो आदमी घर, किसको देखकर मैं घर में रहूंगी? हमारा लड़का अब गाय नहीं, अरे जाएगा भी तो कैसे जाएगी? देखो तो कितना धूप निकला हुआ है, प्रचंड अग्नि जैसा धूप है, आतपे मिलाए, लगता है कि अब आग बरस रहा है। हमारे लड़के से भय सघन प्राण, इसको देख कर हमारा प्राण कांप रहा है, हम कैसे अपने बच्चों को, बच्चे को छोड़ेंगे गोचारण करने के लिए? ना ना, हो गया नहीं गया, ब्रज में जो धूप चलता है ना, धूप के साथ आंधी चलती है और आंधी में बालू पर उड़ते हैं, बवंडर आते हैं, लोग इतना भयंकर आग जैसा हवा लगता है, कहते हैं कि नहीं नहीं, के मन सही को हेनता, हमारा बच्चा इस भयानक धूप को कैसे सहेगा, नहीं सह सकेगा, नहीं 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 जाएगा, चलो इतना भी कष्ट सह लेगा तो इसका चरण कितना कोमल है। यदि सुजात चरणान बुरहुस तनेषु कुपाः, इसका चरण इतना कोमल है कि लगता है कि अभी अभी सुजात कमल का फूल जो खिला है उससे भी अधिक कोमल हमारे बच्चे का चरण तल है। आए कुशीर अंकुर बन, रास्ता में जाएगा तो कंकड़ पत्थर लगेगा इसके पैर में, ऊपर से
कांट है, कंकड़ीली पथरीली जमीन है, पत्थर है, और इसको मैं सुन कर ही बेहोश हो रही ना। यशोदा जी के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ा, इतना भयानक उमड़ा कि अब श्री कृष्ण को छोड़ने नहीं, ना ना नहीं है। कहते हैं शिशिर कुसुम कुसुम दल जिनिया चरण तल, ऐसा एकदम नव फल्लव के समान, अभी विकसित कमल के समान इसका चरण तल है। के मने धाई वो है न पा, कैसे हमारा बच्चा दौड़ कर दौड़ेगा, गैया के पीछे चलेगा। माँ मैया यशोदा के इस प्यार भरी प्रेम में उद्रेक हुई वाणी को सुन करके श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। मायरो करुणा बाणी सुनिया गोकुल मणि कतो मत मायरे बुझाए, अब तो सोचते हैं श्री कृष्ण सचमुच मैया नहीं जाने देगी क्या, ऐसी बात यदि नंद बाबा सुन लेंगे तो जाने ही नहीं। और मैया प्रेम में उतावली हो गई है, लगता है कि श्री कृष्ण को चरण के लिए जाएंगे तो मैया का प्राण निकल जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े भारी समस्या में पड़ गए कि मैया को कैसे समझाए। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे विषाद न करो माने, मैया तू विषाद मत कर, किछु भय नहीं बने, इतने शायद ये सिख कर रहा। भगवान कहते हैं कि मैया तुमको पता नहीं है, मैं रोज रोज वृंदावन के जंगलों में घूमता हूँ, तो तू तो वृंदावन के जंगल में कभी गई नहीं, ये वृंदावन के वन क्या है, वन नहीं है, वन का अर्थ होता है समस्त सुख को देने वाला का नाम है वन, ये वृंदावन है। वृंदाया तुलस्याया वनम वृंदावनम, वृंदाया राधाया वनम वृंदावनम, वृंदाया भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम, वृंद कहते हैं समूह को, यहाँ तो झुंड के झुंड महात्मा घूमते रहते हैं वृंदावन में, ये तो राधा रानी, यह वृंदावन क्या है, साक्षात लक्ष्मी अपने को बिछा दी है, कोमल वृंदावन है। मैया तो वृंदावन की महिमा नहीं जानती है, वृंदावन में जितने पेड़ पौधे तरुण लता पुष्प फूल है ये सब मेरे सेवा के लिए खड़े, अपने के लिए नहीं, सब हमारी सेवा के लिए जाए, यदि मैं नहीं जाऊँगा तो भी तो पगला जाए, जितना तुम प्यार करती है ना उससे अधिक उस एक भेड़ प्यार करते, फल फूल प्यार करता है हमारे रास्ता के लिए क्या करते हैं। तो मैया से कह रहे मैया तुम मिथ्या आशंका करके डरो मत, वृंदावन के जितने पुष्प कोमल कोमल पुष्प है रास्ता पर अपने आप गिर जाते, कोमल एकदम पुष्प सैया बन जाती है, अब मैं जब चलता हूँ तो पुष्प पर ही चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मैया को समझा रहे हैं ये आनंदमय वृंदावन वृक्ष लताओं से गलित पुष्पों से वन मार्ग सदा ही मृदुल बना हुआ है, कोमल बना हुआ है। ये वृंदावन श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, ये पेड़ पौधे लता पता फूल चकोर जितने भी वृंदावन के मरकट है मयूर पक्षी है ये सब कृष्ण की सेवा के उपयोगी साधन, ये ठाकुर जी के लिए ही। यहाँ तक भागवत में लिखा गया है जब भगवान श्री कृष्ण बड़े धूप में चलते हैं वृंदावन में तो आकाश का बादल आ जाता है श्री कृष्ण के सिर पर और देखता है कि कृष्ण को बहुत गर्मी लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा झीसी झीसी बूंद जैसा वर्षा होने लगता है। गोपियां कहती हैं अरे सखी ये वर्षा नहीं हो रहा है, ये बादल अपने आप को श्री कृष्ण को निछावर कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया ये वृंदावन है हमारी कामना को पूरा करने के लिए ही अवतार लिया है, हम नहीं जाएंगे तो वृंदावन के ब्रज की दो देवी है जो बल योगी नाराज हुए, तो वृंदावन के विषय में तुम मत सुनो, हम लोग तो वृक्षों की छाया में ही हमेशा खेलते रहते हैं, हमारे पास तो धूप का प्रवेश भी नहीं है, अरे सूर्य की किरणें हमारे अंग को छू ही नहीं पाती है, वृंदावन सघन वृंदावन है, एक पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ एकदम एक पर एक लगा हुआ है। हम लोग जब वृंदावन में जाते हैं तो वृक्ष हम लोगों की सेवा करते हैं, ये नाना पक्षियां हैं, ये पक्षी नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके वृंदावन का पक्षी बने हुए हैं, मैं जब जाता हूँ तो मेरे कीर्ति का गान करते,
भागवत में है सर, ये पेड़ पौधे लता पता बड़े बड़े ऋषि मुनि कोयल बन करके पक्षी बन करके ठाकुर जी की स्तुति का गान करते रहते हैं। हम लोग भी गैया चराते हैं और हमारी हमको गैया चराना नहीं पड़ता है, ये मत सोचो कि हम चराने के लिए जाते हैं। ये गैया अपने आप जंगल में विहार करती है, हमको यदि गैया को बुलाना है तो एक बंसी फूंकते अपने आप गैया उनको चराना नहीं पड़ता। और तू ही बताओ कि यदि तुम हमको यहाँ रख लोगी नहीं जाने दोगी तो एक भी गैया गैया चरने के लिए नहीं जाएगी, वो सब गैया मेरा इंतजार कर रही है। हम जाएंगे तभी गैया उठ करके जंगल की ओर जाएगी, नहीं तो बंद मैं भी तू मुझको बांध लेगी तो गैया भी उठने वाली नहीं। भगवान देखिए भगवान समझा रहे हैं मैया को, निकलना है इसलिए समझा रहे हैं। वन फूलों में मैं मेरी बंसी बजती है, चारागाह में गैया चरती हैं, दिन बीतने को होता है तो मैं बंसी बजाता हूँ और बंसी की आवाज़ सुन करके गैया आ जाती है। हम सब गोप बालक गैया चराने नहीं जाते, खेलने जाते, हम लोग तो वहाँ आनंद लेने के लिए जाते हैं। मैया यशोदा डर गई कि अब तो लाला हमको तो हरा दिया, अब तो ये जाएगा है। तो मैया गोविंद लीला अमृत में लिखा गया है कि मैया दौड़ करके गई और जा करके गई, कही कि तू जा रहा है तो एक जूता है, ये जूती को पहन कर। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहने लगे, अरे मैया तू हमको जूता पहना रहे, जानती हो हम गाय के सेवक हैं, हमारी मालिक तो जूता पहने नहीं और मैं जूता पहनू, गैया तो जूता पहनी नहीं है तो मैं कैसे जूता पहनू। यदि तुझको जूता हमको पहलाना ही है तो जितनी गैया सबको पहना, इसके बाद तू सेवक पहने। इस प्रकार ठाकुर जी मैया से बातचीत कर रहे, माँ तू घर में बांध करके हम लोगों को ये आनंद से वंचित मत करो, हम लोग कौनों को कितना आनंद आता है गोचारण करने के लिए। एक बात और है, तुम्हारे चरण कमल के प्रभाव से हम लोगों को कोई विपत्ति भी नहीं आता है। मैया जी सुन, तू मैया तुझको पता है तू रोज रोज नारायण के मंदिर में जाकर आरती करती है, पूजा करती है, उसके प्रभाव से जंगल में हम लोगों को कोई विपत्ति भी नहीं आता है तुम्हारे पूजा के प्रभाव से। और विशेष बात यह है कि गैया मुझे छोड़कर वन में जाना भी नहीं चाहती है। माँ सुनकर माँ सोचती है मेरा गोपाल यदि वन में इतना आनंद पाता है तो अपने सुख के लिए अपने ठाकुर को यहाँ बांध कर बना ना। देखिए प्रेम है ना, प्रेम में अपना सुख नहीं होता। जब इस प्रकार इतना आनंद की बात ठाकुर जी मैया यशोदा से कहे तो मैया सोची कि वो मैं अपने सुख के लिए ठाकुर को इतना बड़ा सुख से वंचित करना चाहिए, मैं अपना दुख सहन कर लूँगी, हमारे लाला को सुख मिलता है विदाओ जाओ। देखिए ठाकुर जी कितने बात करके किसी को भी महत्व कर। अब मैया तैयार हो, मैया यहाँ तक तो हम भले कष्ट सह लूंगी लेकिन तुम आनंद से रहो। तब सुखे सुखी तुम, तब माँ ने अति स्नेह विह्वल होकर के नृसिंह मंत्र का कवच भी ठाकुर जी को पहनाया। नृसिंह मंत्र का कवच जो मैया के पास था उसको गले में लटका दी कि हमारे लाला को अलाय बलाय हाउ बुलाओ जो लगते। आज भी नंदगांव में हाउ बुलाओ का मंदिर है, बड़े देखे हैं ना यशोदा कुंड पर हाउ बुलाओ। देखिए वात्सल्यमयी यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती है यशोदा जी लाला तू पर्वत से नीचे मत उतरो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्यों मैया क्या हो जाएगा, तो तुमको जब पता है नीचे उतरते हैं हाउ बिलाओ। तो भगवान कहे कि मैया 84 लाख चौधरी तो मैं भी सृष्टि इसमें तो हाउ बिलाओ किसी को किया नहीं, ये हाउ बिलाओ कहाँ से। इस प्रकार मैया यशोदा अपने लाला से बातचीत करती है। इसके बाद सिंह मंत्र का बंधन देती है, इसके बाद ठाकुर जी जाने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान अब चल रहे हैं कैसे, आषाढ़ सपति लागे ना धाई वो धेनु आगे पराने पारण नील बड़े। यशोदा मैया कहती हैं कि देखो लाला कुछ भी हो जाए तुम गैया के पीछे पीछे मत चल, प्यार है कितना अद्भुत प्यार है।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा जी को कह करके और गोचारण करने के लिए चलते। देखिए ये लीला अगले वाले श्लोक में दूसरा लीला फिर लौट कराना पड़ेगा, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत है, विलाप पुष्पांजलि है, राधा रस सुधा निधि है, इसमें तारतम्यता नहीं, जो भाव में उठता है वही उपस्थित हो जाता है। ये तो प्रेम है, प्रेम। अब देखिए चलने के लिए तैयार है, दाऊ दादा है, मधुमंगल है, सुबल सखा है, हजारों सुबल सखा, हजारों सखाए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं तो गोप बालकों में होड़ लग जाता है कि कृष्ण को कौन छुए। श्रीमद् भागवत में तो लिखा गया है जैसे मेढक को कोई पकड़ करके तराजू पर रखे और जो खाना चाहे तोलना चाहे तो मेढक तोल सकता है, कूड़ कूड़ जाए भग जाए, उसी तरह कृष्ण के सखाओं को कोई गिन नहीं सकता। गिनना प्रारंभ तो इधर दौड़ करो आ जाएगा, इधर दौड़ करो जाएगा, इस प्रकार चंचल है सब। आर शिशु बाण भागे श्रद्धा माँ सुदाम सब पाछे, श्रद्धा माँ सुदाम मधुमंगल इत्यादि सखाओं के साथ। देखिए रास है, एक इधर रास है वात्सल्यमय रास, यशोदा जी माँ अपने लाला को खिलाकर आनंदित होती है, सखा अपने सखा के साथ खेल करके आनंदित होते हैं, और मधुर रस के महा सब संत लोग गोपियाँ ब्रज गोपियाँ ठाकुर जी के साथ लीला करके आनंदित होती हैं। इस प्रकार ये सब रास है। रास का अर्थ होता है रसा नाम समूह रास, समस्त रस जब एक साथ उदय होता है उसको रास कहते हैं। बालकों का रास, वात्सल्यमय रास, मधुर रास। अब देखिए यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं गोचारण करने के लिए, तो अब सब लोगों का अलग अलग स्वभाव बन गया। कोई लड़का गोरा है, कोई काला है, कोई टेढ़ा है, कोई छः अंगुली का है, कोई पांच अंगुली का है, कोई चंचल है, कोई धीर है, कोई गंभीर है, बहुत प्रकार के साधक हैं। अरे भाई गोचारण क्या है, जितनी अनंत जितने भक्त हैं सब भक्त अपनी साधना करके जब लीला होता है तो उस लीला में प्रवेश हो जाता है। आचार्य लोग लिखे हैं कि कोई साधक यहाँ साधना करता है तो मरने के बाद गोलोक नहीं जाता, पहले भगवान की जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही होगी वहां जाना पड़ता है। तो जो वात्सल्यमय यशोदा है जैसे प्रौढ़ा गोपियां हैं, तो उसी रस में जहां ठाकुर जी अभी भी कृष्ण का लीला चल रहा है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में कहीं भगवान की गोचारण लीला हो रहा है, कहीं जन्म लीला हो रहा है, इस प्रकार लीला चल रहा है। तो साधक जब शरीर छोड़ता है तो जिस उसका जब साधना परिपक्व हो जाता है तो जहां ठाकुर जी की लीला चल रही है, जो सख्य रस के हैं तो वहां चले जाएंगे, जो वात्सल्य रस के हैं तो फिर वात्सल्य रस में चले जाएंगे, जो मधुर रस के हैं वहां पे चले जाएंगे, तो लीला में प्रवेश करते हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ जितने भी गोप बालक है, गोप बालक नहीं महात्मा है, सिद्ध संत, इनकी साधना परिपक्व हो गया और ठाकुर जी के लीला काल में लीला में प्रवेश कर। यहाँ तुलसी मंजरी कह रही है जब गोचारण करते करते प्यारे श्याम सुंदर कहाँ जाएंगे तो राधापुर। तो जब श्याम सुंदर जाने के लिए तैयार हो गए तो प्रिया जी की दृष्टि जब प्यारे श्याम सुंदर पर पड़ी तो प्रिया जी मंद मंद मुस्कुरा गए। इस रहस्य को क्यों तुलसी मंजरी जानती कि क्यों प्रिया जी मुस्कुरा गई, किशोरी जी इसलिए मुस्कुरा गई कि ठाकुर जी तो गोचारण करने के लिए जा रहे हैं और हम लोगों को राधा कुंड के तट पर मिलन होगा, वहाँ जल विहार होगा, नौका विहार होगा, जल केली होगी, बहुत विविध प्रकार की जो मध्यान्ह की लीला है वो सब वहाँ होगा। यह सोच करके तुलसी मंजरी कह रही कि तुम्हारा मुखार बिंदु में ऐसा मुख कमल जो प्रसन्न हो गई, मधुर मधुर मुस्कुराने लगी, तो तुलसी मंजरी कहती है कि वह मुखमंडल में कब देखूंगी, प्यारे श्याम सुंदर को देख करके तुम्हारी जो स्थिति हो गई, केवल मुख ही देखूंगी सो नहीं, पूरी मूर्ति देखूंगी तुम्हारे साथ वो विवाह विहार। इस प्रकार सोच करके सब कुछ से विरक्त हो गए। आचार्य चरण कहते हैं कि साधक भी इस लीला का स्मरण करते करते गुरु रूपा मंजरी के आदेशानुसार उस लीला में प्रवेश हो जाता है और हमको जो सेवा मिली है
साधकों को कोई पंखा की सेवा मिलती है, कोई पुष्पमाला का सेवा मिलती है, कोई जल सेवा मिलती है, तो साधक गण भी गुरु रूपा मंजरी के आदेश पा करके उस सेवा को पा करके आनंदित होते हैं। अब हम लोगों को जोग पीठ पर मिलन होगा, गुरु रूपा सखी के अनुसार हमको सेवा का सुअवसर प्राप्त होगा। देखिए नंद गांव में भी गुप्त जोग पीठ है ना, वहां भी मिलन होता है, लेकिन बहुत संक्षिप्त मिलन होता है। राधा कुंड में वृंदावन में जोग पीठ है, वहां संपूर्ण रूप से सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आचार्य चरण कहते हैं कि साधक लोग धीरे धीरे संसार में भी रहते हुए, संसार के सब कुछ काम करते हुए भी अपने मन को वहीं ले जाते हैं, प्रिया प्रियतम के दिव्य विलास में, दिव्य लीला में। देखिए भोजन लीला है, भोजन लीला के बाद अभिसार होगा किशोरी जी का, ठाकुर जी गोचारण करने के लिए जाएंगे, राधा कुंड पर मिलन होगा, जल विहार होगा। उस समय गुरु रूपा मंजरी के आदेशानुसार साधक मंजरी को, साधक को सेवा का सुअवसर प्राप्त होगा। तो यह सब आनंद करके, यह सब याद करके ही रघुनाथ दास गोस्वामी उन्मत्त हो गए। ये स्वाभाविक है, भजन का और कोई हेतु नहीं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जितने भी महात्मा हैं वे भजन करते हैं, तो भजन इसलिए नहीं करते हैं कि भजन नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, भय से भजन नहीं करते, लाड़ प्यार से भजन करते। संसार के लोग डरते भजन करते हैं, भजन करें नहीं तो नरक में चले जाएंगे, और ना कोई हमको इच्छा है कि गोलोक चले जाएंगे, वैकुंठ जाए, इस लक्ष्य से महात्मा लोग भजन नहीं करते। ये महात्मा लोग केवल इसीलिए भजन करते हैं, जैसे संसारिक प्राणी अपने घर गृहस्थी का सेवा काम किसी के उपदेश से नहीं करता है कि तुझको पत्नी को देखना चाहिए, तुझको लड़का को देखना चाहिए, कोई उपदेश नहीं देते, स्वाभाविक करते। स्वाभाविक कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, स्वाभाविक। उसी तरह साधक लोग भी जो भजन करते हैं तो ये भजन करते हैं किसी के कहने से नहीं, स्वाभाविक प्यार प्रीति, उनका मन प्रिया जी के अतिरिक्त कहीं लगता नहीं, कहीं भी चुपचाप बैठे रहते हैं तो उनका मन वहीं चले जाता है, क्योंकि नित्य लीला चल रही है। सुबह से शाम तक प्रियालाल का नित्य लीला चल रहा है, कहीं अभिसार चल रहा है, तो कभी गोचारण चल रहा है, तो प्रिया जी के साथ चल रहा है, कहीं रात में चल रहा है, चौबीसों घंटा लीला चल रहा है। तो जो साधक है उनका मन स्वाभाविक वहीं चला जाता है, कहीं चुपचाप बैठेंगे तो मन वहाँ चला जाएगा, क्योंकि सबको कुछ न कुछ सेवा मिली है, प्रिया जी के साथ क्या सेवा मिला है साधक को। इसलिए विधि भक्ति से श्रेष्ठ रागानुगा भक्ति, तो रागानुगा भक्ति में स्वाभाविक भक्तों का मन उसमें लगा रहता है। और भजनीय कौन है, भजन और कोई, भजन का और कोई हेतु नहीं है, भजन केवल प्रेम है, तो हमको प्रिया जी की सेवा, प्रिया जी की प्रसन्नता, भजनीय भगवान के प्रति प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है।